आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। इटावा जनपद में थाना उसराहार पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान हरियाणा के तस्करी के लिए लाई गई लाखों रुपए की कीमत की अवैध देसी शराब समेत शराब माफिया ग्राम प्रधान और एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने प्रेस वार्ता में बताया कि बुधवार देर शाम थाना उसराहार पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम संयुक्त रूप से अंडापालन के पास वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस ने एक फीट कार आती हुई देखी। पुलिस ने टॉर्च मार कर कार को रुकने का इशारा किया। कार सवार चालक पुलिस देखकर कार को दूसरी तरफ मोड़कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर कार को रुकवा लिया और तलाशी ली तो कार के डिग्गी में देसी शराब की 10 पेटियां मिली। पुलिस ने कार सवार दोनों युवकों से शराब के कागज दिखाने के लिए कहा तो वह असमर्थ रहे। तभी पुलिस को पीछे से एक डीसीएम आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने डीसीएम रुकवा कर चेक किया तो डीसीएम में भी 220 मुर्गीदाना की बोरिया के पीछे 600 पेटी देसी शराब की पेटियां मिली। तभी डीसीएम चालक ने बताया कि यह शराब कार सवार युवकों की है। पुलिस ने कार सवार युवकों से पूछताछ की। इस शराब को यूपी के अलग अलग शहरों से सप्लाई करने के लिए लेकर आए हैं। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार ग्राम प्रधान पहले भी कई बार इटावा और फरुखाबाद जिले से जेल जा चुका है। बरामद शराब और गाड़ियों की कीमत 42 लाख के ऊपर आंकी गई है। पेशी इटावा से राहुल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। शराब और कैसे इसका पकड़ में आई है? देखिए, जनपद स्तर पर अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चल रहा है, उसी के क्रम में सॉल्ट पुलिस सॉल्ट की टीम और थाना उसराहार पुलिस ने 610 पेटी करीब 28,800 क्वार्टर अवैध देशी शराब के ये बरामद किए हैं। दो वाहन जो है, एक डीसीएम और एक गाड़ी बरामद हुई है जिनका नंबर प्लेट चेंज इन्होंने कर लिया था। इसमें इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये मुर्गी के दाने के बोरे में कवर करके शराब का परिवहन करते थे और नंबर प्लेट वगैरह भी इन लोगों ने चेंज कर रखी थी। तो इसमें करीब 42 लाख रुपये का अवैध जो सामान है वो रिकवर हुआ है, कार और शराब को मिलाकर। इसमें जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, प्रहलाद सिंह यादव और अजय सरोज, एक व्यक्ति हरियाणा का रहने वाला है जो शराब वहाँ से लाता था और दूसरा व्यक्ति प्रहलाद सिंह, ये यहाँ पर ही थाना चौबी अंतर्गत एक ग्राम नगला हिम्मत, उसमें ग्राम प्रधान है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी अटेम्प्ट टू मर्डर, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट के कई मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व में भी ये आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है, इनके खिलाफ भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। तो अच्छा काम है, इस टीम को 25,000 रुपये हमारी तरफ से इनाम दिया जाएगा और गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करके जो भी अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको हम पूर्ण करने का भी इसमें कार्रवाई करेंगे।